एक बार की बात है, घने जंगल में एक बुद्धिमान और चालाक केकड़ा रहता था। एक दिन जब केकड़ा जंगल के फर्श पर इधर उधर भाग रहा था, तो उसने एक शक्तिशाली शिकारी ईगल पक्षी को एक पेड़ की टहनी पर बैठे देखा, जो उत्सुकता से अपने अगले भोजन की तलाश में था। ईगल ने केकड़े को देखा और अपने तीखे पंजों से उसे खाने के लिए झपट्टा मारा, लेकिन तेज तर्रार केकड़े ने खतरे को भांपते हुए शांत और संयमित आवाज में कहा, मेरे जैसे छोटे जीव पर अपनी ताकत क्यों बर्बाद कर रहे हो? केकड़े ने पूछा। अगर तुम सच में शक्तिशाली हो तो वहां पर उस भारी पत्थर को उठाकर दिखाओ। ईगल अपनी ताकत का प्रदर्शन करने के लिए उत्सुक था और चुनौती स्वीकार कर ली। अपने पंखों के एक शक्तिशाली फड़फड़ाहट के साथ उसने भारी पत्थर को हवा में उठाया और जोर से नीचे गिरा दिया। मौका देखकर चालाक केकड़ा सुरक्षित भागने लगा। जब ईगल पत्थर उठाने में व्यस्त था, पक्षी को एहसास हुआ कि उसके साथ धोखा हुआ है और चतुर केकड़े के भाग जाने पर उसने निराश होकर चिल्लाया। उस दिन से ईगल ने जंगल में रहने वाले सब छोटे जीव की भी बुद्धिमत्ता का सम्मान करना सीख लिया, जबकि बुद्धिमान केकड़ा अपने रास्ते में आने वाले किसी भी दुश्मन को मात देने के लिए अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करता रहा। कुछ दिनों बाद ईगल एक शिकारी को जंगल में देखता है। शिकारी पेड़ के पीछे से मोर को देखता हुआ उस पर तीर चलाता है। तभी ईगल डर जाता है और सोचता है, कहीं उस पर भी वह शिकारी तीर ना चला दे। डरा हुआ ईगल बुद्धिमान केकड़ा से सलाह लेने की सोचता है और केकड़े की तलाश करने लगता है, जहां उसने केकड़े को आखिरी बार देखा था, और जोर जोर से पुकारने लगता है, केकड़ा मेरे दोस्त, मुझे मदद की जरूरत है। कुछ देर बाद केकड़ा सुन लेता है और सोच में पड़ जाता है। कल तक तो वह मुझे खाने के लिए झपट्टा मारा था, आज वह मदद मांग रहा है। केकड़ा छुप कर ईगल से पूछता है, क्या मदद चाहिए? ईगल सारी बात बता देता है। केकड़ा ईगल को सलाह देता है और शिकारी को जंगल से भगाने में मदद करने की बात करता है। अगले दिन ईगल शिकारी को दोबारा पेड़ के पीछे छुपते हुए देखता है। ईगल तेजी से उड़ते हुए जाता है और केकड़ा को सूचित करता है। ये बात सुनते ही केकड़ा ईगल को एक बड़ा सा पत्थर लेकर पहुंचने को कहता है और केकड़ा शिकारी के पास जाता है और उसके पैर के उंगली पे अपने नोकीले और धार पंजे से काट लेता है। तभी शिकारी जोर से चिल्लाने लगता है और छुपा हुआ पेड़ के नीचे शिकारी लंगराते हुए खुले मैदान पर केकड़ा को पकड़ने उसके पीछे आता है। तभी केकड़ा पत्थर गिराने का इशारा देता है। ईगल अपने पंजों से एक बड़ा सा पत्थर उठाकर उड़ता हुआ शिकारी के ऊपर गिरा देता है। चोट के कारण चिल्लाने लगता है और वहां से घायल शिकारी चला जाता है। उस दिन से केकड़ा और ईगल जंगल में खुशी से रहने लगते हैं। कहानी का नैतिक यह है कि चुनौतियों या विरोधियों का सामना करते समय बुद्धिमत्ता और चालाकी अक्सर क्रूर ताकत से ज्यादा कारगर हो सकती है।